नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए साइकोलॉजी के सब्जेक्ट की, साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स की जहां से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बात किसकी करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में हमारे नए सिलेबस में क्या क्या जोड़ा गया है उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक तो हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ICT से पूछे जाएंगे, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे सिलेबस को चार भागों में बांटा गया है और इन चार भागों से हमसे 60 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका 240 नंबर का होगा और 60 नंबर की सब्जेक्ट के साथ ये साइकोलॉजी वाला पार्ट होगा, इस हिसाब से आपका 300 नंबर का पेपर होगा। तो मैं आपको इस क्लास में साइकोलॉजी से संबंधित संपूर्ण कोर्स को पूरा कराने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर हम जो मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊँगा और क्या क्या सिलेबस है पूरे सिलेबस की डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। आज की ये हमारी फर्स्ट क्लास है और आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है और हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए मनोविज्ञान को। फर्स्ट ग्रेड के लिए आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपकी मनोविज्ञान यही रहने वाली है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो मनोविज्ञान है उसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। किसको पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान। जैसे टॉपिक पूरा होगा फिर हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसमें शिक्षा का और शिक्षा और मनोविज्ञान का एक्चुअली अर्थ क्या है। अब ये शिक्षा पहले अलग थी और मनोविज्ञान अलग था, आजकल तो ये मिल गया, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया। इंग्लिश में इसको क्या बोल रहे हैं हम? इंग्लिश में हम इसको बोल रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी अब आजकल इसका नाम हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शिक्षा अलग थी और मनोविज्ञान अलग था। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। यानी कि अगर हम इस टॉपिक की बात करें ना तो हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हमें सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है पहले, फिर हमें ये पढ़ना है, उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि शिक्षा जो है इसको मनोविज्ञान से क्या रिश्ता है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं और या फिर इन दोनों का एक दूसरे से क्या लेना देना। और जब हम ये पढ़ लेंगे फिर हम ये देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। थोड़ा सा इतिहास के ऊपर भी हम दृष्टि डालेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, और फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएँ जानेंगे जो कि अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, क्योंकि परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमें ये पता करना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बताने हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित तो भाषाएँ जो है इसकी परिभाषाएँ उनको अपन बात करेंगे ही यहाँ पर।
इसके अलावा आपको विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात बताई जाएगी। तो आपको इस टॉपिक में शिक्षा मनोविज्ञान में ये पढ़ना है, शिक्षा क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, इतिहास क्या है इसका, इसकी परिभाषाएँ क्या हैं, प्रकृति क्या है और इसके क्षेत्र क्या हैं, ये सारी तमाम बातें जो हैं हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अपन शिक्षा क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा है क्या। शिक्षा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन। शिक्षा जिसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो एक्चुअली ये एजुकेशन या शिक्षा होती कहाँ क्या है और इसका ये इस शब्द का अर्थ क्या है और ये शब्द बना कैसे, ये सारी बातों की बात अपन यहाँ पर करेंगे। दोस्तों मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं कि ये शिक्षा शब्द जो है ना, ये संस्कृत के एक शब्द से बना है और जिसका नाम है शिक्ष, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्ष एक धातु है, शिक्ष धातु। ये शब्द शिक्ष ये संस्कृत का शब्द है और इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ होता है सीखना। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना। और शिक्षा की जो प्रक्रिया है, ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है इसमें कौन कौन भाग लेता है, इसके ऊपर काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसमें कौन कौन भाग लेता है, इसमें एक तो शिक्षक भाग लेता है, अगर किसी को शिक्षा दी जा रही है तो एक शिक्षक होगा और एक विद्यार्थी होगा जिसको शिक्षा दी जा रही है, और उसके बाद दूसरी तीसरी चीज़ जो होगी वो पाठ्यक्रम होगा, कि एक तो सिखाने वाला होगा, एक सीखने वाला होगा और एक वो चीज़ होगी जिसको सीखा जाना है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये क्वेश्चन की जगह है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आया भी हुआ है सेकेंड ग्रेड में, रीट में कई बार पूछा भी हुआ है कि शिक्षा की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, एक शिक्षक भाग लेता है, एक विद्यार्थी भाग लेता है और एक पाठ्यक्रम, यानी कि सिखाने वाला, सीखने वाला और क्या सिखाना है, वो क्या चीज़ सीखनी है, वो चीज़ जो है इसके अंदर होती है। अगर हम शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के शब्द से देखें, जैसे ये एजुकेशन शब्द, तो ये एजुकेशन शब्द जो है, ये एजुकेशन शब्द कैसे बना, अगर हम इस शब्द को देखें कि ये जो एजुकेशन शब्द है ये शब्द कैसे बना, तो ये स्टूडेंट्स लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है एजुकेशन, और ये लैटिन भाषा का शब्द क्या है उसको अपन बाद में देखें, लेकिन हम यहाँ पर इसको संधि विच्छेद करेंगे, इसको हम दो टुकड़ों में करके देखेंगे। हालांकि एजुकेटम वो शब्द कौन था, कौन सा था, एजुकेटम कौन सी भाषा का था, ये लैटिन भाषा का, जहाँ से इंग्लिश की उत्पत्ति मानी जाती है, लैटिन भाषा बोल दो, या फिर हम इसको ग्रीक भाषा भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको यूनानी भाषा भी कहते हैं, यूनानी भाषा, इस भाषा का शब्द था एक एजुकेटम। और एजुकेटम शब्द जो है ये दो शब्दों से बना है, एक तो है ई और दूसरा है ड्यूको, एक तो है ई और दूसरा वर्ड क्या है, ड्यूको। इन दो वर्ड से एजुकेटम शब्द बना। और इस ई का अर्थ क्या होता है, इस ई का अर्थ होता है भीतर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना, भीतर से बाहर लाना, ये इसका अर्थ होता है। इसका मतलब शिक्षा का अर्थ क्या हुआ, शिक्षा का अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर लाना। आपके अंदर बहुत सारी, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, शिक्षा के माध्यम से उस क्वालिटी को बाहर लाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा मनुष्य या व्यक्ति की या कोई भी जीव है उसके अंदर छिपी हुई चीज़ों को बाहर लाने का जो काम करता है वो शिक्षा है। तो एजुकेशन शब्द जो है ना वो यूनानी भाषा के एजुकेटम से बना है, लैटिन भाषा भी कहते हैं, ग्रीक भाषा भी कहते हैं, यूनानी भाषा भी कहते हैं। और ये जो एजुकेटम शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है भीतर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। इसके अलावा जो ये वाला शब्द है हमारा एजुकेशन शब्द, ये कुछ विद्वानों का मत है कि ये कुछ अन्य शब्दों से भी मिलकर बना हो सकता है। जैसे एक होता है एजुशियर, कुछ लोग कहते हैं
कि एजुशियर वर्ड से बना है, इसकी उत्पत्ति एजुशियर वर्ड से हुई है। और एजुशियर के अलावा कुछ लोग कहते हैं एडुकेयर, एडुकेयर से भी इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन एडुशियर की बात करें या एडुशियर की या एडुकेयर की, इसका अर्थ भी यही होता है, इसका भी अर्थ यही होता है भीतर से बाहर लाना, या फिर इसका अर्थ होता है नेतृत्व करना। क्या अर्थ होता है? नेतृत्व करना, ये इनका अर्थ होता है। तो ये शिक्षा की पूरी कहानी है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन, शिक्ष संस्कृत के एक भाषा के एक शब्द से बना जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा में, शिक्षा की प्रक्रिया में एक शिक्षक, एक विद्यार्थी, एक पाठ्यक्रम होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर हम अगर इसके अंग्रेजी वर्जन की बात करें, इस अंग्रेजी वर्ड जिसको हम बोल रहे हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, जो कि हम लैटिन भाषा भी कह सकते हैं, ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा भी कह सकते हैं। और ये जो एजुकेटम है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये ई और ड्यूको दो लैटिन भाषा के शब्दों से ही बना है। ई का अर्थ होता है भीतर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। इस तरह से मनुष्य में अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर लाना ही एजुकेशन कहलाता है। और कुछ विद्वानों का मत है कि एडुशियर और एजुकेयर भी से भी एजुकेशन वर्ड बना है, जिसका अर्थ भी यही होता है भीतर से बाहर लाना या नेतृत्व करना। ठीक है, तो ये शिक्षा के संबंध में कुछ बात हुई। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो शिक्षा है, इसकी कुछ विद्वानों ने परिभाषाएँ दी हैं, तो हम यहाँ पर उन परिभाषाओं की बात करेंगे। शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं, तो शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी की। गांधी जी जो हैं, जिन्होंने शिक्षा के संबंध में परिभाषा दी थी, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, यहाँ पर अपन जानेंगे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, तो दोस्तों ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक का सर्वांगीण विकास है। क्या कहना चाहते हैं ये, कि बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, इनके अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक का सर्वांगीण विकास है। ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा दी है किसने, ये परिभाषा दी है गांधी जी ने। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा है बालक का सर्वांगीण विकास। ये कहते हैं कि मेरे अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास जो है वो शिक्षा से है, या शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास से है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और उसके बाद हम दूसरे विद्वान की बात करें, तो दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, राधा कृष्णन जी। ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार जो है परिभाषा वो क्या है, तो इनके अनुसार भी परिभाषा अपन देख लेते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती तो वो अपूर्ण है। ये क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनुष्य और समाज का, मनुष्य एवं समाज का निर्माण, मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती, नहीं करती तो वह अपूर्ण है। अगर शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है तो वह अपूर्ण है। इनके अनुसार, डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अनुसार, शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो मनुष्य और समाज दोनों का निर्माण करने में सक्षम है। अगर मनुष्य और समाज का निर्माण करने में अपूर्ण है, यदि शिक्षा, यदि भी हम लिख सकते हैं, यदि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है तो वह अपूर्ण है। ये कथन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है। यहाँ पर पेन चेंज ना करते हुए सीधा ही लिख रहा हूँ मैं। तीसरा है डॉक्टर गांधी जी हो गए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी हो गए, उसके बाद विवेकानंद जी। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा क्या है, इन्होंने शिक्षा की डेफिनेशन क्या दी है उसको भी देख लेते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णताओं को प्रकाश में लाना, मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णताओं को, पहले से विद्यमान पूर्णताओं को, पहले से विद्यमान पूर्णताओं को
प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना। मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णताओं को प्रकाश में लाना शिक्षा है। ये किसने कहा है? ये कहा है विवेकानंद जी ने। और चौथी डेफिनेशन दोस्तों हम पढ़ते हैं, चौथी डेफिनेशन जो कि पेस्टोलॉजी ने दी है, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी क्या बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, सॉरी शिक्षा के संबंध में ये क्या कहते हैं? ये कह रहा है शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का, शिक्षा इनके अनुसार क्या है? शिक्षा, शिक्षा मनुष्य की, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का, आंतरिक शक्तियों का, शक्तियों का समन्वित और स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का समन्वित, समन्वित आंतरिक, आंतरिक और प्रगतिशील विकास है, और प्रगतिशील विकास है, प्रगतिशील विकास है। ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। फ्रेंडसन क्या कहते हैं? पांच नंबर पर हम बात कर रहे हैं फ्रेंडसन की। फ्रेंडसन क्या कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध मनुष्य और समाज दोनों के कल्याण से है। फ्रेंडसन क्या बोलते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध, आधुनिक शिक्षा का संबंध, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, दोनों के कल्याण से है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं गांधी जी के द्वारा। बालक का सर्वांगीण विकास जो है वो शिक्षा है। यदि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है तो अपूर्ण है। और विवेकानंद जी कहते हैं कि पहले से विद्यमान पूर्णताओं को प्रकाश में लाना शिक्षा है। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का समन्वित आंतरिक और प्रगतिशील विकास है। और फ्रेंडसन कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ लिया कि इसकी परिभाषाएँ क्या हैं। एक तो हमने ये पढ़ लिया कि इसकी परिभाषाएँ क्या हैं, और इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था कि शिक्षा है क्या। शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम भाग लेते हैं, इम्पोर्टेंट बात है। शिक्षा जो है इसका अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द एजुकेटम से बना है जो कि लेटिन या ग्रीक या यूनानी भाषा का वर्ड है। और एजुकेटम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है भीतर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। कुछ विद्वानों का मत है कि एडुसियर, एडुकेयर भी इसी इन दो शब्दों से भी एजुकेशन शब्द बना है, जिसका अर्थ भी यही है भीतर से बाहर लाना या नेतृत्व करना। फिर हम अगर इसकी परिभाषाओं पर पहुँचते हैं तो परिभाषाओं में हम देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही हो सकता है। यानी कि ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक का सर्वांगीण विकास है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं यदि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है तो अपूर्ण है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य में पहले से विद्वान पूर्णताओं को प्रकाश में लाना शिक्षा है। पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का समन्वित आंतरिक और प्रगतिशील विकास है। फ्रेंडसन कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में मिलते हैं, और ये क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी। पूरे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को मैं आपको एकदम फ्री कराऊंगा, और जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा फिर उस टॉपिक से संबंधित विगत शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।